हीरो है मेरे पापा और हीरोइन है मेरी मम्मा। ये स्टोरी शुरू हुई थी स्कूल से। पहले तो ये दोनों बहुत लड़ते थे, फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। जब मम्मा पापा का स्कूल खत्म होने वाला था, पापा ने मजाक मजाक में उन्हें प्रपोज कर दिया और मम्मा ने मजाक में ही एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने सीरियस नहीं लिया और शुरू हो गई इनकी लव स्टोरी। डेटिंग वेटिंग मिलना जुलना शुरू हो गया इनका। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ूंगी। जब मैंने इसे पहली बार रेड ड्रेस में देखा था तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब मैंने कपिल को पहली बार देखा था तो मुझे तो कपिल बहुत फ्लर्टी लगे थे। अभी तक तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी था, जब भी इनके घर वालों को पता चला लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि भाई मम्मा थी बनिया और पापा थे पंजाबी, इन दोनों का मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया। जैसे तैसे करके नानू नानी और दादा दादी तो मान गए शादी के लिए और शादी कर दी फिक्स। ऐसे कैसे हो सकता है, इन दोनों की लाइफ में कोई ट्विस्ट ना आए। अब लो आ गया ट्विस्ट। शादी की तैयारी चल रही थी और पापा का हो गया एक्सीडेंट, उनके पैर में चढ़ गया प्लास्टर और दोनों फैमिली में हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। जब पापा ठीक हुए, पापा ने नानू को पटाना शुरू कर दिया शादी के लिए और कभी उनके ऑफिस चले जाते थे। और एक दिन तो उन्होंने नानू के बर्थडे पे केक भेज दिया और किसी ने लिया नहीं केक, मम्मा ने केक ले लिया, खुद अकेले ही खा लिया। हम दोनों की लव लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत सारे आए और बहुत सारी तकलीफें आई, पर लेकिन हम दोनों हमेशा साथ रहे। फैमिली वालों की तरफ से दिक्कतें बहुत आई, मगर हम लोगों ने भी ठान रखा था कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से, और धीरे धीरे सब संभल गया। कभी भी शादी भाग कर नहीं करेंगे, करेंगे तो पेरेंट्स की मर्जी से ही करेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी वेट करना पड़े। और हमने किया भी, 11 इयर्स के स्ट्रगल के बाद आखिरकार हमारी शादी हो गई। 19 फेब को हमारी मैरिज को 14 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कपिल की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे ही दी है, और जब भी ज़रूरत पड़ी है तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही किया है। क्वालिटीज़ तो इसमें बहुत सारी हैं, मगर एक क्वालिटी बहुत अच्छी है जो मुझे बहुत टेस्टी खाना बना के देती है। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ, मगर ज़्यादा देर बात के बिना रह नहीं सकते एक दूसरे से। प्यार वो है जिसे जिंदगी भर निभाया जाए, चाहे सुख में चाहे दुख में।